के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एनाजिक जो है ना फ्रेंड्स, वो जापान की एक ऐसी कंपनी है जो मिरेकल वाटर प्रोवाइड करती है, जो कि आज से 50 साल पुरानी कंपनी है, 1974 की कंपनी है, जिसमें अपनी जो टीम है, हम सबकी जो टीम है, उसका नाम है टीम पनाकल एक्वा। और टीम पनाकल एक्वा एक ऐसे मिशन पे है फ्रेंड्स, जहां पर वो मिरेकल वाटर प्रोवाइड करके 2025 तक 1 लाख लोगों की लाइफ सेव करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं मॉडल्स, प्लेस एंड प्राइस दिए गए हैं। इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले एक बात मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, ये कोई आरओ वाटर की मशीन नहीं है। कोई आरओ वाटर की मशीन नहीं है, ये वाटर आयोनाइजर है। तो डोंट इसको मत समझना कि ये कोई आरओ वाटर की मशीन है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, बहुत कॉमन थिंग है कि हमारी बॉडी के अंदर 72% पानी है ना। हम कुछ मेन ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, लाइक आईज 95%, ब्रेन 83%, नर्व 75%। इससे पता लगता है कि जो पानी है वो अपनी बॉडी का सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। वो पानी जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? मील्स कहाँ से आएगा, वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगी, फ्रूट्स कहाँ से लेके आए, ड्राई फ्रूट्स कौन से खाएं, जो कि हमें पता होता है केमिकल लोडेड फूड है। अब लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट मिरेकल वाटर। मिरेकल वाटर, स्टार्टिंग से मिरेकल वाटर के बारे में बातें हो रही हैं, तो आप सभी को पता है कि लाइक गंगा और जमजम के पानी को मिरेकल वाटर कहा जाता है ना। तो जब इसके बारे में रिसर्च किया गया कि गंगा और जमजम का पानी टैप वाटर से अलग क्यों है, तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज मिली फ्रेंड्स इस पानी में। पहली थी माइक्रो क्लस्टरिंग, दूसरी थी एंटीऑक्सीडेंट, तीसरी थी एल्कलाइन। और सबसे शानदार बात ये है फ्रेंड्स, ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे कैंगन वाटर के पानी में भी हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है पतला पानी। मीन्स लाइक नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लाइक जो हमारा टैप वाटर है वो 15 से 20 क्लस्टर्स कैरी करता है। ओके, इसका मतलब वो मोटा पानी है। लेकिन जो अपना कैंगन वाटर है वो 5 से 6 क्लस्टर्स कैरी करता है, मतलब वो पतला पानी है। और टैप वाटर मोटा पानी होने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ 15% ही एब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन जो कैंगन वाटर है वो 85 से 95% हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो कैंगन वाटर है ना फ्रेंड्स, वो टैप वाटर से 6 गुना ज्यादा हाइड्रेटिंग वाटर है। आप ये देखिए, आरओ वाटर हमने इंसर्ट किया, एंड फिर वी हैव टेकन कैंगन वाटर। हमने दोनों पानी ले लिया है, एक ग्लास में आरओ वाटर और एक ग्लास में कैंगन वाटर। तो सी, अभी इन्होंने हल्दी डिसॉल्व किया पानी के अंदर, इसमें क्या फर्क दिखा कि जो कैंगन वाटर था उसमें हल्दी डार्कर दिख रहा है, ज्यादा घुल गया है वो, क्योंकि वो पतला पानी है। एंड जो टैप वाटर है, जो आरओ वाटर है, उसमें इतने अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि वो थिक वाटर है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ग्रीन टी के साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, टेल मी आथिंग, ठंडे पानी में ग्रीन टी बनता है या नहीं? ठंडे पानी में ग्रीन टी नहीं बनता फ्रेंड्स, है ना। फिर भी यहाँ पे कैंगन वाटर से ग्रीन टी बन गया। यू कैन सी हियर, कैंगन वाटर से ग्रीन टी बन गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही पतला पानी है, एंड दैट इज गुड फॉर अवर हेल्थ ऑल्सो। यू कैन सी हियर। सो लेट्स कम ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एंटी ऑक्सीडेशन।
अभी एंटी ऑक्सीडेशन से डिस्कस करने से पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या। ऑक्सीडेशन होता है फ्रेंड्स रस्ट प्रोसेस, लेकिन मतलब गलना सड़ना। जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में, एप्पल काट के रखा वो ब्लैकिश हो गया, बनाना ब्लैकिश हो गया क्योंकि वो गल गया है। वैसे ही जैसे फ्रूट गल जाते हैं, फ्रूट्स गल जाते हैं, वैसे ही जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी रस्ट होती चली जाती है एज के साथ साथ। अब भाई हम इस प्रोसेस को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ हम इस प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हमें सिस्टम से वायरस निकालना हो तो क्या डालते हैं? एंटीवायरस, राइट। अब हम ऑक्सीडेशन को निकालने के लिए एंटी ऑक्सीडेशन हम डालेंगे हमारी बॉडी के अंदर, जो कि कैंगन का एक गिलास प्रोवाइड करता है। और कितना प्रोवाइड करता है? उतना प्रोवाइड करता है जितना 16 ग्लासेस ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी, 5 किलो ब्रोकली। जितना एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है उतना सिर्फ कैंगन का एक गिलास प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पे कुछ ओआरपी दिखाई गई हैं। अभी जैसे जैसे ओआरपी इंक्रीज प्लस में जाती गई, वैसे वैसे वो हमारी हेल्थ के लिए बैड होता गया, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लाइक आप देख सकते हो बोतल वाटर, आरओ वाटर, टैप वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, दिस इज बैड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन जैसे जैसे ओआरपी माइनस में जाता गया, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। लाइक कैंगन वाटर इज गुड फॉर आवर हेल्थ। अभी हम इसको देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। हमने पेप्सी लिया है, किल्ली का वाटर लिया है और एनर्जिक वाटर लिया है। सबसे पहले स्प्राइट डाला, फिर उसके बाद किल्ली का पानी डाला एंड फिर उसके बाद एनर्जिक वाटर, कैंगन वाटर हमारा इंसर्ट कर दिया गया है। अभी देखो जो जो किल्ली का वाटर था उसमें +400 से ऊपर आ रहा था ओआरपी, आपने देखा। अभी ये देखो पेप्सी में प्लस, अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव में है। पेप्सी में आप देखो 500 से भी ऊपर, 569 तक चला गया है, उससे भी ऊपर चला गया है। अब आप कैंगन वाटर में देखिए माइनस में, -747। अब फिर से अगर हम किल्ले के वाटर में डालें तो वो फिर से पॉजिटिव में चला गया है। तो इससे पता लगता है, पिछली जो स्लाइड हमने देखी इससे पता लगता है कि हाँ अगर माइनस में ओआरपी जा रहा है तो वो गुड है हमारी हेल्थ के लिए। लाइक कैंगन वाटर जो -400 से भी ऊपर चला गया था, -700 से भी ऊपर चला गया था, मीन्स इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी, वो है अल्कलाइन। अब लेट्स सी ऑन द पीएच, पीएच स्केल पे हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा अल्कलाइन है क्या। पीएच स्केल पे हम देखते हैं जैसे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जो है वो 7 पे है। लाइक 7 से न्यूट्रल से जब जब डिक्रीज होता जाएगा ना, वो एसिडिक वाटर बनता जाएगा। एसिडिक वाटर मतलब बीमारियों का घर, सिकनेस, डिसीजेस। और लेकिन जैसे जैसे वो न्यूट्रल से इंक्रीज होता जाएगा, वो बन जाएगा एल्कलाइन वाटर, वो जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी लेट्स सी, हमने फिर से स्प्राइट लिया, किल्ले लिया, एनर्जिक लिया। हमने किलने का वोटर डाल दिया, स्प्राइट डाल दिया है एंड एनर्जिक का पानी भी डाल दिया है। ये जो ड्रॉप है ये पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। आप देख सकते हो, यू कैन सी फ्रेंड्स। अभी आप देखिए स्प्राइट बिल्कुल रेडिश हो गया है, वो एसिडिक में आता है। आप पिछली स्लाइड पे देख लो, ओआरपी जो हमने डिस्कस किया, लाइक जो पेप्सी वगैरह है वो बिल्कुल ही एसिडिक पे है। उसका रेड रेड कलर था उसका, ऑरेंज थोड़ा बहुत, तो वो हमारा एसिडिक में आया है। लाइक मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड जो आरओ वाटर था, जो किल्ली का जो वाटर था, वो ग्रीन कलर का आया था, मतलब लाइट ग्रीन कलर का आया था। तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल भी है और थोड़ा सा एसिडिक भी है, ठीक है। मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत ठीक है। बट जो हमारा इनेजिक का वोटर आया, आप दोबारा देखिए इस वीडियो को, जो हमारा इनेजिक का पानी था, जो कैंगन का पानी था, उसमें बिल्कुल पर्पल आया।
पर्पल कलर ट्रांसफर हो गया, मतलब वो अल्कलाइन वाटर है, और अल्कलाइन वाटर इज गुड फॉर आवर हेल्थ. देखिए सी, पूरा पर्पल कलर आ गया है, दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ. तो ये तो हमने देख लिया है, पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. सो ये अल्कलाइन वाटर है फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट हम स्लाइड पे अगर जाए तो अमेरिकन जो एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, उसने कैंसर प्रिवेंशन और क्योर के लिए 10 प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं. उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ना, वो है अल्कलाइन, जो कि एनाजिक किंग इन वॉटर से रिप्लेस करके लिखा गया है. वो कौन सा है? अल्कलाइन वॉटर, यू कैन सी हियर. अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है, आप फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फील्ड्स में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं. वो पेस्टिसाइड डालने के बाद भी केमिकल अच्छे से नहीं निकलता. तो क्या आपको लगता है घर में नॉर्मल पानी से 3-4 बार वॉश करने से वो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा. सो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. नॉर्मल तरीके से जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है ना. सो देखो, जब तेल के अंदर हमने किलनी का वॉटर डाला तो वो ऊपर 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 जाता गया, ऊपर फ्लोट होने लगा. लेकिन जब कैंगन पानी डाला तो इसने तेल को ही फाड़ दिया, दूध की तरह मिक्स हो गया इसके अंदर. अभी देखो, हमने डाला थोड़ा राइस, अब इसको वॉश करेंगे. अभी जब हमने किलनी का वाटर डाला तो यू कैन सी हियर, एंड इनाजिक का वाटर डाला, आप डिफरेंस देखिए. किस में ज्यादा केमिकल है, किस में ज्यादा केमिकल रिलीज हो गया? किल्ली के पानी से सारा केमिकल अभी भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इनाइजिक के पानी से सारा केमिकल निकल गया. अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस. इनाइजिक के पानी से वॉश किया, टैप के वाटर से वॉश किया, तो डिफरेंस देखिए कितना केमिकल रिलीज हो गया है. जब हमने कैंगन वाटर से वॉश किया, टैप वाटर से वॉश किया, तो पानी अभी भी साफ है. और ये कैंगन वाटर जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हार्मफुल डिसीजेस को भी रिकवर करने में हेल्प करता है. सबसे खास बात इस मशीन की ये है कि ये 7 तरीके का पानी जो है हमें देती है, 9.5 pH, 9.0 pH, 8.5 pH, जो कि एक कैंगन वाटर, जो कि हमारे पीने और खाना बनाने में भी काम आता है. नेक्स्ट है 7.0 pH, जो कि है क्लीन वाटर, जो कि बेबीज के लिए और मेडिसिन लेते वक्त पीने में भी काम आता है. नेक्स्ट है 6.0 pH, जो कि है ब्यूटी वाटर, जो कि स्किन पे लाइक पिंपल हो या फिर हेयर फॉल है या फिर दाग है, उसके लिए काम आता है. नेक्स्ट है 2.5 pH, जो कि है स्ट्रोंग एसिडिक वाटर, जो कि हार्मफुल डिसीजेस को, बैक्टीरिया को किल करने में काम आता है. नेक्स्ट एंड फाइनल है 11.5 pH, जो कि वेजिटेबल्स को वॉश करने में काम आता है. सबसे आसान तरीके से ये पानी निकल जाएंगे, बटन दबाया और आपके पास पानी आ गया. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ये सारी बीमारियां जो कि कैंगन वाटर से रिकवर हुई हैं. हमारे इनेजिक को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं. क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर है वो घर में कैंची और चाकू से बिना किसी ग्रेड के ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकता. सो वैसे जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए ग्रेड्स लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर को किसी की सर्जरी वगैरह करने के लिए ग्रेड्स लेनी पड़ती हैं, वैसे ही हमारे एनेसिक को भी बहुत सारी ग्रेड्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं फ्रेंड्स. अभी अब तक हम अपनी फैमिली को एसिडिक वाटर पिला रहे थे, ऑक्सीडाइज वाटर पिला रहे थे, लाल क्लस्टर वाला पानी पिला रहे थे, जिससे डिसीजेस होते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती है, जो बीमारियों का घर है. इसका सॉल्यूशन है मेरे पास एक, इसका सॉल्यूशन है कैंगन वॉटर. चलो पहले तो आप लोगों को पता नहीं था, लेकिन क्या आप अब पता लगने के बाद भी कैंगन वॉटर को नहीं लेंगे?
टैप वाटर आरो वाटर ही पिलाएंगे। अगर हाँ तो यू डोंट लव योर फैमिली, अगर आप कैंगन वाटर लेते हैं सो यू लव योर फैमिली, चॉइस इज योर्स। अभी जो हमने कहा था कि इस स्लाइड के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे, सो यू कैन सी प्राइस यहाँ पे सबके इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि प्लेट्स भी इंक्रीज होती जा रही है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से मॉडल का मशीन आप ले रहे हैं। चेंज योर वाटर फ्रेंड्स, चेंज योर लाइफ, थैंक यू सो मच। अभी हम कैंगन वाटर के यूजर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने कैंगन वाटर की मशीन को लगवाया है, वो कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, यू कैन सी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने लगाया, लेकिन हमारे लिए जो रियल सेलिब्रिटीज हैं वो ये हैं जिनके घर में कार नहीं है, जिनके घर में कार नहीं है लेकिन इनके घर में कैंगन वाटर की मशीन है, बिकॉज दे लव द फैमिली। सो अगर आप भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो आप भी कैंगन वाटर यूज करेंगे फ्रेंड्स। अभी ये तो था हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, लेट्स गो। अभी इसमें एक खास बात भी है, देखना ये 50 साल पुरानी कंपनी है, राइट? ये 153 कंट्रीज में कैंगन वाटर को यूज किया गया है, 40 जगहों पे वर्ल्ड में इसका ऑफिस है। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट तो बहुत यूनिक है, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस प्लान भी, एक यूनिक बिजनेस प्लान इसमें शेयर किया गया है। सो लेट्स डिस्कस ऑन इट। व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ कोई पानी बेचने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कोई मशीन बेचने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कोई गुड हेल्थ बेचने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ वो देखो, मैं यहाँ पे आपको गुड हेल्थ देने आई हूँ और आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने आई हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, टाइम के साथ साथ ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है? पहले कीपैड था तो अब स्मार्टफोन आ गया है, पहले डेस्कटॉप था तो अब लैपटॉप आ गया है, पहले सिंपल टीवी था तो अब स्मार्ट टीवी आ गया है। वैसे ही फ्रेंड्स, अब आरओ है तो आगे जाके आयोनाइजर आने वाला है। सो दिस इज द करेक्ट टाइम टू डू दिस बिजनेस, दिस इज द करेक्ट टाइम। अभी आप इस बिजनेस में, इन एजिक में, आप अपनी फैमिली की तो लाइफ सेव कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप वर्ल्ड भर में बिजनेस भी कर सकते हैं। आप वर्ल्ड भर की लाइफ सेव कर सकते हैं, वर्ल्ड भर में बिजनेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अभी अगर आप ये मशीन लेते हो तो इसका पैसा सीधा हमारे इन एजिक के पास जाएगा, मशीन आपके घर में बिजनेस शुरू करने के लिए। फ्रेंड्स कोई भी फी नहीं है, साइन अप फी नहीं है बिल्कुल भी, मंथली क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी स्कॉटिंग नहीं है, और ये इंटरनेशनल बिजनेस है, दिस इज एन इंटरनेशनल बिजनेस। सो अभी बिजनेस प्लान समझते हैं कि इसका बिजनेस प्लान है क्या। जैसे आपने दो लोगों को मशीन बेचा, ओके? आपने दो लोगों को मशीन बेचा, ए एंड बी, आपको मिल गया उनका 13,000, ये हो गई डायरेक्ट सेल। अब डायरेक्ट सेल होने के बाद आपने एक और मशीन बेच दिया सी को, वो आप बन गए 2A, आपको मिल गया 26,000। अब ये तो हो गई डायरेक्ट सेल, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसमें इनडायरेक्टली भी आपको इनकम मिलता है। कैसे? अभी आपने तो इन लोगों को मशीन बेचा, अब ये भी किसी दो को मशीन बेचेंगे, सो इनका भी 13,000 आपको मिलेगा। अब हम सब चार लोग मिलके 6 लोगों को मशीन और भेज दे, कितने का ग्रुप हो गया? 10 लोगों का ग्रुप। अब ये 10 लोगों का ग्रुप होने के बाद हम किसी एक डायरेक्ट सेल कर देते हैं, आप एक डायरेक्ट सेल कर देते हो 10 लोगों का ग्रुप होने के बाद, आप बन गए सीए, आपके अकाउंट में आ गया 39,000। अब इसने भी मशीन बेच दिया, अब 10 10 लोगों का जो ग्रुप था उसमें से सबने एक एक मशीन सेल कर दिया, कितने लोगों का ग्रुप हो गया? 20 लोगों का ग्रुप। अब ये 20 लोगों का ग्रुप होने के बाद आपने एक डायरेक्ट सेल कर दिया, आप बन गए 4A, आपके अकाउंट में आ गया 52,000, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मान लो 52,000 जो 4A आपने, आप बन के जिसने सेल आपने किया वो मैं हूं, ठीक है?
वो मैं हूं, मैंने 10 लोगों को मशीन भेज दिया, मैंने 10 लोगों को मशीन भेज दिया, पर मशीन का आपको मिल गया 52,000, सारा कितना हुआ? 5,20,000 आपके अकाउंट में, 5,20,000 आपके अकाउंट में फ्रेंड्स। अब ये जो 20 लोगों का ग्रुप था, अब इसने 30 लोगों को और अप्रोच किया, कितने का ग्रुप हो गया? 50। अब ये 50 लोगों का ग्रुप होने के बाद हमने एक डायरेक्ट सेल कर दिया, हम बन गए 5A, अपने अकाउंट में आ गया 65,000। अब जो ये 50 लोगों का ग्रुप था, सबने एक एक अप्रोच और कर दिया, कितने लोगों का ग्रुप हो गया? 100 लोगों का ग्रुप। अब ये 100 लोगों का ग्रुप होने के बाद हमने एक डायरेक्ट सेल कर दी, आप बन गए 6A, आपके अकाउंट में आ गया 78,000। और 78,000 के साथ साथ इनएज़िक कंपनी आपको $3,000 बोनस देगी एक टाइम का। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन गए हो 6A। अब ये तो था 6A तक का जर्नी, ठीक है, ये तो था 6A तक का जर्नी। अब 6A के बाद क्या है फ्रेंड्स? जब आप 6A बनते हो तो आपके अकाउंट में आ जाता है $3,000 बोनस एक टाइम का। अब इसके बाद आपका जो 101 लोगों का ग्रुप है, उसमें अगर दो जने अलग-अलग लाइन से 6A बन जाते हैं, सो आप बन जाते हो 6A2, आपके अकाउंट में आ जाता है $6,000 बोनस, $6,000 बोनस। अब इसके बाद 6A2-2 कैसे बने? अब आपके ग्रुप में कोई दो जन 6A2 बन जाता है अलग-अलग लाइन से, तो आप बन जाते हो 6A2-2, आपके अकाउंट में आ जाता है $12,000 बोनस। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप 6A2-3, अब आपके ग्रुप में दो जन 6A2-2 ही बन गए अलग अलग लाइन में, आप बन गए 6A2-3, आपके पास आ गया $25,000 बोनस। उसके साथ आपके अकाउंट में $5,000 लाइफ टाइम का मंथली आपको मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद भी प्रोसेस है, लेकिन हम यहां तक ही डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगर आप एक्साइटेड हैं तो लिख दीजिए चैट विंडो में, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू। आई एम क्लोज मैम, आई एम क्लोज। यह जोरदार तालियां बजनी चाहिए, सब अनम्यूट करके एक जोरदार ताली तो बजनी चाहिए। लिटरली सारे लोग अनम्यूट, सारे लोग अनम्यूट। थैंक यस, यू। जोरदार ताली। यस, सारे अनम्यूट कर दीजिए, अलाउ कर देता हूँ सबको। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, 100% क्लोजिंग, सभी की क्लोजिंग। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आया। मैं आपको बता दूं, मुस्कान मैम धीरज सर आए थे तब भी 76 गए थे लोग, और आज 90 लोग हैं। जोर